हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृत स्टडी जोन। टुडे वी आर स्टडी अबाउट अवर फिजिक्स फिजिक्स 11th क्लास की, जो आज हम बेसिक चैप्टर से करेंगे, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है आज, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड इस चैप्टर के अंदर आज हम बिल्कुल बेसिक से हमारे फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये, चैप्टर है फर्स्ट यूनिट है, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। साइंस होती क्या है? साइंस जो होती है इट इज एन सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशंस देखिए हमारे अंदर पे पता है साइंस होती क्या। साइंस की जो मेन डेफिनेशन यही है, इट इज एन सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यह वह नॉलेज होती है, वह फॉर्मूले होते हैं जो हमें सिस्टम के अंदर मिलते हैं, जो ज्ञान हमें सिस्टम में रहते हुए मिलता है। किन से? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और कैलकुलेशन से। वैसे हम साइंस की सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हैं, एवरीथिंग इज इज ट्रूथ, एवरीथिंग विच इज ट्रूथ इन द यूनिवर्स वी कैन से दिस इज साइंस। कोई भी चीज जो क्या है, सत्य है, ट्रू है, उसे हम बोल सकते हैं साइंस है। अब हम करते हैं हमारी फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत, फिजिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। सबके मन में क्वेश्चन होगा फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स दे दी हमें इतनी बड़ी बड़ी बुक है, कैसे करें कैसे नहीं। तो हम करते हैं फिजिक्स बिल्कुल मेन डेफिनेशन से इसकी स्टार्टिंग। फिजिक्स होती क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है ये? साइंस की एक ब्रांच है। आपको 10th क्लास में फिजिक्स, बायो, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री सब इकट्ठा दी थी, लेकिन अब आप 11th में प्रमोटेड हो गए हैं। 11th में प्रमोटेड हुए हैं तो इसके अंदर क्या है, फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच होती है। क्या होती है? साइंस की अलग से, साइंस के अंदर फिजिक्स की अलग से ब्रांच होती है, इसके अंदर आपको अलग से बुक दी जाती है। इसके बारे में आप मेन मेन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंदर भी और ज्यादा क्या है, बहुत ही बोर्ड है, बहुत ही लंबा, बहुत ही वाइड, बहुत ही लेंथी, क्या है ये, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है हमारे अंदर फिजिक्स, यदि आप इसको इंटरेस्ट हो लेके समझेंगे। वैसे तो इतनी मुश्किल है नहीं, लेकिन यदि आप डेली करेंगे, वीडियो को डेली देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए मैं बताता हूं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमिना, जो किसके साथ डील करती है, नेचुरल और फिजिकल फिनोमिना के साथ। ये थी आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन। देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन हमने कर ली। वैसे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स एक बहुत ही बोर्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप मेनली मेनली यूनिट्स के नाम पढ़ देते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है। मैकेनिक्स फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारी इसकी क्या है, यूनिट्स हैं। जो मेन मेन यूनिट्स थी मैंने आपको बता दी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल वाली है, और भी बहुत सारी इसकी क्या है, यूनिट्स के नेम है। जैसे बोलते हैं ये बहुत ही बोर्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसके स्कोप के बारे में। सभी को पता होना चाहिए कि इसके स्कोप क्या होते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको सोसाइटी से कैसे रिलेशन लगती है, सोसाइटी के बीच में हमारे इसका कैसे रिलेशन है।
तो देखिए आप डेली क्या करते हैं, तो आप वेट की चीजें लाते हैं ऐसे, वेटेज से रिलेटेड, वेटेज से रिलेटेड क्या लाते हैं आप, चीजें लाते हैं वेटेज से रिलेटेड, मतलब 5 किलो चीनी, 2 किलो आटा, या इससे कुछ भी, सब कुछ यू सब हम किसके अंदर आते हैं, यूज के अंदर हम बोलते हैं यूनिट इसकी क्या, केजी, क्या बोलते हैं केजी, वो किसके अंदर है, वो भी फिजिक्स के अंदर है, किसके अंदर है, फिजिक्स के अंदर है। उसके हमारी पहली यूनिट का नाम ही क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है, फिजिकल यूनिट्स कौन सी, किलो हो गया, किलोमीटर हो गया, क्या आपको लंबाई मापनी है तो किसमें नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, किसी का वेट मापना है किसमें नापते हैं, केजी में मापते हैं, या क्या इसमें मानते हैं, ग्राम में मापते हैं। तो ऐसे ऐसे हम सब के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मैं आपको बता दूं सोसाइटी के अंदर क्या है, इसका रिलेशन क्या है, वेट में हो गया, सेकंड क्या हो गया, भी हम सब के पास क्या है, मोटर बाइक है, कार्स है, इनके अंदर इंजन होते हैं, पेट्रोल होता है, हमारे स्पीड स्पीड को चेक करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। ये सब भी किससे रिलेशन रखते हैं, फिजिक्स से, किससे रिलेटेड रखते हैं, फिजिक्स से। तो हमारे जो डेली हम यूज करते हैं, हमारे घर पे फैन चलता है, क्या चलता है, फैन, ठीक, मोटर चलती है, जनरेटर होता है, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, ये सारे भी फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो जो फिजिक्स का स्कोप है ना, वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही लंबा है, उसको हम क्या करेंगे धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। इससे आगे हम करते हैं फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फिजिक्स कर लिया है, अब उसकी फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन होगी, साइंस की डेफिनेशन होगी, स्कोप के बारे में पता लग गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस। इसके अंदर हमारी मेनली चार क्या दी गई है, फोर्सेस दी गई है मेनली चार, चारों के नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं। पहली का नाम है क्या, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आज हम पार्ट वन के अंदर किन किन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बाकी की जो दो फोर्स है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमारी जो मेनली जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और मैं बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 12th में भी आएंगे और आगे सब के BSc वगैरह में भी आप जो करोगे आगे ग्रेजुएशन उनमें भी आएंगे, या कोई आप क्विज टेस्ट देते हो उसके अंदर भी इनसे रिलेटेड क्या आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हाय फ्रेंड्स, देखिए अब क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किसने दिया था हमको, इसाक न्यूटन ने। इसाक न्यूटन ने क्यों दिया था, क्योंकि इसाक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी, ब्रह्मांड में प्रत्येक बॉडी, ब्रह्मांड में क्या है, प्रत्येक बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसाक न्यूटन ने उस चीज को नोटिस करते हुए हमको एक ला दिया, एक फोर्स का नाम दिया, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अकॉर्डिंग इसाक न्यूटन क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर
दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्केल स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। इसाक न्यूटन ने क्या कहा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, टू बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, उनके मासेज की गुणा के, उनके मासेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए क्या होते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं या कोई लेट कर लेते हैं। हमारे पास टू मासेज की बॉडी है, हमने लेट किया है टू बॉडीज को, बॉडीज नंबर ए और ये बॉडी है बी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी मान ली, उनका मास दे दिया क्या m1 m2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसाक न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मासेस की प्रोडक्ट के बराबर। देखिए फोर्स थी हमारे पास एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास m1 गुणा में मास m2, m1 इनटू में m2। देखिए ये हमारे पास होता है किसका निशान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान। ठीक, अब बात आती है किसके, नेक्स्ट बात की, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है कोई भी चीज वन अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, किसके, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्केयर, इन दोनों ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आर, इसके स्केयर, इसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये हो गया हमारे पास पॉइंट वन, इसके बाद हो गया पॉइंट टू। देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकी प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब m1 और m2 ज्यादा होंगे, m1 और m2 क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तब क्या होगी हमारी फोर्स भी इंक्रीज होगी, फोर्स भी इंक्रीज होगी। ये फोर्स कम होगी, फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो m1 into में m2 की प्रोडक्ट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, यदि फोर्स इंक्रीज है तो m1 m2 की प्रोडक्ट भी ज्यादा है, m1 m2 की प्रोडक्ट कम है तो क्या है हमारे पास, फोर्स भी कम है। अब आती है इस दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि फोर्स ज्यादा है, फोर्स क्या है ज्यादा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी कम, बीच की डिस्टेंस क्या होगी कम। यदि बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ज्यादा है, यदि बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो उस टाइम क्या होगी, फोर्स कम होगी। इसमें उल्टा होगा, ये ज्यादा होगी ये कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन से हमने क्या लिख लिया, ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r का स्क्वायर। देखिए इसे साफ कर देता हूं एक सेकंड। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं दोनों को कंपेयर लिख के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2 के तो था ही, अपॉन में क्या हो गया आर का स्केयर, इन दोनों के डिस्टेंस का स्केयर। देखिए जब यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के हम किसका निशान लगाएंगे, इक्वल टू का, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं जी। क्या लिख लेंगे जी, हमारे यहाँ पे जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने इसको बोला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
देखिए ग्रेव कॉन्स्टेंट कहते ही आपके माइंड में आया होगा, सर ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की तो एक फिक्स वैल्यू होती है। जी हाँ, यहाँ पर जी की भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या है, 6.687 × 10⁻¹⁻ ये है इसकी पावर, ये होता है हमारे पास जी की वैल्यू होती है। तो आप मेनली इस पे फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट क्या आया है, देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में R का स्केयर। तो इसी रिजल्ट पे फोकस करेंगे, यही हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में R का स्केयर, यही आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, अब हम वे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक सेकंड, हमें स्टार्ट करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या करनी है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपने 9th क्लास के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ा होगा, क्या था वो, एवरी रिएक्शन गिव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम बात इसी के अंदर, यही किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक एक्शन एंड रिएक्शन, यदि आप एक्शन करते हैं, यदि उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इक्वल एंड सेम अपोजिट फोर्स क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर लगाएगा। तो सेकेंड बात आती है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी सेकेंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, वह फोर्स जो पाथ फ्लोर पर डिपेंड नहीं होती, किस पर डिपेंड नहीं होती, पाथ फ्लोर पर, मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगी है उसने क्या पाथ फॉलो किया क्या नहीं, उसके ऊपर इसे कोई बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो थर्ड बात आपकी आती है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसके फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं क्या, जिसका ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि दूसरी बॉडी इसके पास है या नहीं, नो इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। देखिए कोई थर्ड बॉडी इन दोनों के बीच में, यदि हमारे पास मास M1 है, मास M2 है, यदि कोई मास M3 इन दोनों के बीच में है, तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और ज्यादा करने के लिए आप बुक से ले लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इसकी चार पांच ही मेन होती है जो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कर ली है, अब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स थी हमारी किन के बीच में थी, मासेस के बीच में, मासेस M1 एंड M2, लेकिन अब क्या आ गए हमारे पास, चार्ज बॉडीज। ये फोर्स किसके बीच में होती है, टू चार्ज बॉडीज के बीच में होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, देखिए ये दोनों प्रकार की होती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्सन की भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होती है ओनली ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, बट ये फोर्स होती है वो किसकी होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आल्सो बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, बिटवीन किसके, टू चार्ज बॉडीज के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, जो फोर्स बिटवीन होती है, किन किन के बीच में बिटवीन होती है, टू चार्ज बॉडीज के बीच में होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बता दिया कि किस किस के बीच में होती है, चार्ज Q1 एंड Q2 के अंदर, लेकिन फॉर्मुलेटेड इसको हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, बिल्कुल सेम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, बस इसके अंदर चेंज आता है, मास M1 एंड M2 की जगह क्या जाता है, चार्ज आ जाते हैं Q1 एंड Q2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2, हमने चार्ज के नेम ले लिए Q1 एंड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट के, किन किन के, चार्ज के, मैग्नीट्यूड के। चार्ज आगे हमारे पास आ गया Q1 है, सेकंड हुआ Q2 है,
तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारे पास। पहले क्या आ गई, इक्वेशन आ गई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के प्रोडक्ट के। और जो सेकंड बात है वो क्या लिख रखी है इसने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए एक फिगर दे लीजिए, हमारे पास एक क्यू वन चार्ज है, एक क्यू टू चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है r, ठीक। तो देखिए पहले हमने पहली पॉइंट लिख दिया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के बराबर, q1 into q2 के बराबर। जो सेकंड हमारी इक्वेशन बन रही है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 बाय में लिख देंगे इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी थी r, उसका स्क्वायर सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन क्या बनाएंगे, q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो मैंने बताया था जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, ये निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा 1 अपॉन में 4 पाई इलेप्सन नॉट q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। हमारे पास ये क्या है, एक कांस्टेंट है 1 अपॉन में 4 पाई इलेप्सन नॉट, हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू 9 इनटू में 10 रेज की पावर 9, 9 इंटू रेज में 9 इनटू में 10 रेज की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर 2, इसकी यह होती है एसआई यूनिट होती है। या आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं जब आप क्या निकालोगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालोगे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको समझ में आ गई होगी क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, q1 एंड q1 इनटू में q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो इनसे मैंने कंपेयर करके दोनों से एक इक्वेशन बना ली, q1 इनटू में q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो f हमारा बराबर आ गया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेंगे तो कांस्टेंट आ गया 1 अपॉन में 4 पाई लक्सन नॉट q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर, जो यही है हमारा रिजल्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। अब हम करते हैं क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम करते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ ली, इसकी डेविएशन पढ़ ली, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, अब आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली है क्या, इट इज ए अट्रैक्टिव एज एज रिपल्सिव फोर्स। मैंने सबसे पहले ही इसकी पहली डेफिनेशन में कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, ये चार्ज को अपने पास भी लेके आ सकती है और दूर भी कर सकती है, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इट्स ओबे इनवर्स स्केलर लॉ, या क्या वो क्या लॉ ओबे करती है, इनवर्स स्केलर लॉ, क्योंकि हमने पढ़ा है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन में r का स्केयर। तो ये क्या होता है, इनवर्स स्केयर लॉ, इनवर्स स्केयर लॉ, जो क्या करती है, ये ओबे करती है। थर्ड है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, ये कहां पे लगती है, सेंटर की ओर लगती है, जैसे चार्ज है, चार्ज का जो सेंटर है वहां पे इसका क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा रहती है, वहां पे फोर्स क्या लगती है, ज्यादा रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जो पाथ फ्लोड पर डिपेंड नहीं करती। फिफ्थ क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था जो किसमें लगती है, टू मास बॉडीज के बीच में लगती है, मास m1 एंड m2, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो किस किस के बीच में लगती है, चार्जेस के बीच में, q1 एंड q2 के बीच में। तो देखिए आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा जहां तक मैंने कराया। अब हमारी दो फोर्सेस और रहेगी, कौन सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हमारे कुछ लॉ है कंजर्वेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि क्या कर सके, बच्चे पढ़ सके और उससे क्या करें, नॉलेज प्राप्त कर सके, सबको फायदा प्राप्त हो, सभी को सबको क्या हो, इससे नॉलेज मिले, यही हम चाहते हैं, तभी नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा कल या परसों। थैंक यू।